जोर से बोलो सच साबित की कि नहीं की। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान को इत्तेहाद की जरूरत है। आज बिजली की लोड शेडिंग और मेरे लाहौर के और पंजाब के अजीम जवानों और बहनों और बुजुर्गों बताओ, लोड शेडिंग में कमी हुई कि नहीं हुई? जोर से बताओ, कमी हुई कि नहीं हुई? ये किसकी क़यादत में हुई? आज आपके घरों में गर्मियों में पंखा चलता कि चलता? ये अल्लाह ताला के फजल व करम से किसकी क़यादत में हुई? आज 4 साल में हम पर एक धेले की करप्शन का किसी ने इल्जाम साबित किया? तो ये अल्लाह ताला के फजल व करम से किसकी क़यादत में? आज पाकिस्तान के अंदर मेट्रो भी बन रही है, रावलपिंडी भी बन गई, मुल्तान भी बन गई और लाहौर में ऑरेंज लाइन तैयार हो रही है। इसके मुखालिफ कौन है? ये नियाजी खान, ये पीपल्स पार्टी, ये काफ लीग, इन्होंने इसकी मुखालफत की। लाहौरियों, आपको पाकिस्तान में पहली मरतबा एक ऑरेंज ट्रेन जल्द मिलने वाली है। शानदार सफर होगा, रायविंड से आपको शालाबाग से आगे बाटापुर तक आपको आधे घंटे में ये ट्रेन पहुंचाएगी। ये है वो मुखालिफ, ये है वो पाकिस्तान की खुशहाली के मुखालिफ जो आज नवाज शरीफ की मुखालफत कर रहे हैं। याद रखना, ये वक्त आज इस बात का आपसे इम्तिहान, ये इम्तिहान का वक्त है। आपको फैसला करना होगा कि आपने पाकिस्तान की तामीर करने वालों का साथ देना है या मुखालफत करने वालों का साथ देना है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे अजीम बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नौजवान साथियों, आओ 14 अगस्त की आमद आमद है। आओ उन शहीदों की खून की कसम मिलकर पाकिस्तान को नवाज शरीफ की क़यादत में बनाएं और पाकिस्तान को अजीब बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।